कक्षा सात और आठ संज्ञा पढ़ा रहे हैं व्याकरण में, तो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा में काल। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा के पांच भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये सभी का परिभाषा पढ़ा दिए थे। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, राम, गंगा, पटना आदि। जातिवाचक, जिस संज्ञा सबसे संपूर्ण जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे नदी, गाड़ी, शहर। भाववाचक, जिस संज्ञा सबसे गुण, दशा, धर्म, स्थित, स्वभाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे प्यास, बुढ़ापा, सुंदरता। समूहवाचक, जिस संज्ञा सबसे समूह या झुंड का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे फूलों का गुच्छा, कक्षा, सेनाएं। द्रव्यवाचक, जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव, धातु आदि का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, घी, तेल, चीनी आदि। भाववाचक संज्ञाएं जो है जातिवाचक संज्ञा से बनाया जाता है, जैसे मनुष्य, मनुष्यता, सती से सतीत्व। सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है, निज से निजत्व, स्व से सत्व, आप से आपा, विशेषण से भी। इतना तक समझा दिए थे कल। विशेषण से भाववाचक संज्ञा भी बनाया जाता है, जैसे सबल विशेषण है, उसका भाववाचक संज्ञा बनाएगा सबलता हो जाएगा, चिकना से चिकनाहट, उदार से उदारता, सुंदर से सुंदरता, सरल से सरलता। क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है, जैसे पढ़ना से पढ़ाओ, जीतना से जीत, लिखना से लेख, चुनना से चुनाव। और अव्यय, जिसे अविकारी शब्द भी कहते हैं, उससे भी भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है, निकट से निकटता, धिक से धिकार, शीघ्र से शीघ्रता, ऊपर से ऊपरी, दूर से दूरी। भाववाचक संज्ञाओं को केवल महसूस किया जा सकता है, ये अगणनीय होता है, अर्थात इसे गिन नहीं सकते हैं, सदैव एक वचन में होती है। जातिवाचक संज्ञाएं गणनीय होती है, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष गुण को प्रकट करती है तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। घर घर में एकलव्य पाए जाते हैं, यानी एकलव्य जैसे चरित्र के व्यक्ति पाए जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में होता है, भाववाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में प्रयोग करने पर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है, जैसे बुराइयों। जातिवाचक संज्ञा विशेष व्यक्ति विशेष के गुण को बताते समय व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में बदल जाती है। गांधी जी ने देश को अहिंसा का पाठ पढ़ाया, यहाँ गांधी जी शब्द जाति की बजाय महात्मा गांधी को दर्शा रहा है। अब यहाँ पर कुछ मुख्य बातें दी हैं जो पढ़ा चुके हैं। मौखिक प्रश्न है, बहुवचन में भाववाचक संज्ञा क्या बन जाती है? तो बहुवचन में भाववाचक संज्ञा यहाँ पर अभी अभी पढ़ाए हैं, जातिवाचक संज्ञा बन जाती है, जैसे बुराइयों। द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा में क्या अंतर है? तो दोनों का परिभाषा उदाहरण लिख देना है, संज्ञा के भेदों का उदाहरण सहित नाम लिखना है, पांचों प्रकार उसका उदाहरण लिख देना है। जातिवाचक संज्ञा कब व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है? तो यहाँ पर भी दिया गया है, जातिवाचक संज्ञा विशेष गुणों को बताते समय व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में बदल जाती है, जैसे गांधी जी ने देश को अहिंसा का पाठ पढ़ाया, यहाँ गांधी जी सब जातिवाचक के बजाय महात्मा गांधी को दर्शाता है। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उसको पांचों संज्ञा के अंतर्गत बांटना है। ममता, रामायण, रामायण विशेष ग्रंथ का नाम है, व्यक्तिवाचक। किसान, पूरे जाति, किसान जाति का बोध कराता है, तो जातिवाचक हो गया। पर्वत, पूरे पर्वत श्रेणी का बोध कराता है। प्रणब मुखर्जी, किसी विशेष व्यक्ति का बात कराता है, इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। फैलाव, भाववाचक संज्ञा। सोना, द्रव्यवाचक संज्ञा। पेट्रोल, द्रव्यवाचक संज्ञा। कक्षा, समूहवाचक संज्ञा। हिमालय, व्यक्तिवाचक संज्ञा। राजधानी एक्सप्रेस, व्यक्तिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा बनाना है, सज्जन से सज्जनता, घबराना से घबराहट, मोटा से मोटाई, अच्छा से अच्छाई, पढ़ना से पढ़ाई, लड़का से लड़कपन। अब यहाँ पर कुछ दिया गया है, जो निम्नलिखित संज्ञा को रेखांकित करके भेद लिखना है। राम की घबराहट बढ़ गई, राम संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है। मनुष्य का धर्म, ये जातिवाचक हो गया। कक्षा, समूहवाचक हो गया। छात्र, समूहवाचक हो गया। हीरा, द्रव्यवाचक हो गया। राधा और नीलकंठ, व्यक्तिवाचक हो गया।
वाक्य पढ़िए और रंगीन शब्दों की संज्ञा के भेद। पेड़ मानो गीत गा रहे हैं, तो पेड़ कौन सा संज्ञा हो गया? संपूर्ण पेड़ का भेद जातिवाचक। गांधी जी दिन भर व्यस्त रहते थे, व्यक्तिवाचक। दृढ़ता भाववाचक, भीड़ समूहवाचक। रोनी ने 20 रुपये की मिठाई ली, रोनी व्यक्तिवाचक। यहाँ संज्ञा शब्दों के भेद का विकल्प है, चढ़ाई जो है भाववाचक होगा, चार मीनार व्यक्तिवाचक होगा, विशेष मीनार का नाम है। नदी जातिवाचक है क्योंकि संपूर्ण नदी का बोध कराता है। चावल द्रववाचक है। इस प्रकार संज्ञा चैप्टर आज समाप्त हो गया, कल दूसरा चैप्टर।